हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2012 में आई एक साउथ कोरियन हाइस्ट मूवी द थीफ को। इस मूवी की कहानी दो पार्ट में दिखाई गई है, इसीलिए मैंने भी इस मूवी के दो पार्ट बनाए हैं। दूसरे पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। इस मूवी के एंड होने तक इसमें ट्विस्ट एंड टर्न आते रहते हैं, इसीलिए कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए आप दूसरा पार्ट जरूर देखें। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिक्स रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन ऑडियंस ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरह। मूवी की शुरुआत में हम यनी कॉल और उसकी माँ च्युइंगम को किसी आर्ट गैलरी में आते हुए देखते हैं। आपको बता दूं, इन लोगों का नाम ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ कोई अपना असली नाम नहीं बताता। दोनों यहाँ इस आर्ट गैलरी के डायरेक्टर से मिलने आए थे क्योंकि यनी कॉल डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड है और च्युइंगम यनी कॉल की माँ बनी थी, और शादी से पहले च्युइंगम को उस आर्ट गैलरी के डायरेक्टर से मिलना था। च्युइंगम उससे काफी रूड बिहेव करती है और डायरेक्टर उसकी बातें सह रहा था क्योंकि उसे यनी कॉल जैसी हॉट लड़की से शादी जो करनी है। दोनों पिछले 5 महीने से कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ आर्ट गैलरी के बगल वाली बिल्डिंग में कैमरा से बचते हुए दो लोग छत पर आते हैं। उनमें से एक है ग्रुप लीडर पपोय और दूसरा केबल एक्सपर्ट जोम्पानो। दोनों वहाँ अपना सेटअप लगाना शुरू करते हैं। वही गैलरी के अंदर च्युइंगम डायरेक्टर को उसका कलेक्शन दिखाने कहती है, जिसे वो आसानी से मान जाता है। फिर वो चुपके से पपोय को कॉल लगाती है। अब इस कॉल से चारों ही कनेक्ट हो चुके थे। अब जैसे ही डायरेक्टर और च्युइंगम उसका कलेक्शन देखने जाते हैं, यनी कॉल अपने कपड़े उतार कर और रेडी होकर खिड़की के पास आती है, और उसके बोलते ही पपोय दूसरी बिल्डिंग से वायर शूट करता है जो जाकर सीधा यनी कॉल को मिलता है। फिर यनी कॉल उस केबल के जरिए बिल्डिंग के छत पर आती है। ये बहुत ही बढ़िया सीन था। फिर वो जल्दी से बिल्डिंग के वेंटिलेटर शाफ्ट के पास आती है। वही नीचे डायरेक्टर च्युइंगम को अपने कलेक्शन दिखाने लेकर आता है। सबसे पहले वो सिक्योरिटी डिसेबल करता है। दरवाजे के पास ही एक डिवाइस से लेजर निकल रही थी, लेकिन डायरेक्टर ने फिलहाल उसे डिसेबल कर दिया था। अब वो च्युइंगम को अपना कलेक्शन दिखाने लगता है। अब उसके अंदर एक और वॉल्ट थी। च्युइंगम पीछे पलटती है और डायरेक्टर उसमें पासवर्ड डालता है, लेकिन च्युइंगम के हाथ में एक डिवाइस था जिससे उसे पासवर्ड पता चल जाता है। वही वेंटिलेटर शाफ्ट और केबल की मदद से यनी कॉल नीचे उतर रही थी। अब उस वॉल्ट के अंदर जाने पर बहुत सारे आर्ट पीस रखे हुए थे। अब कुछ बात करने के बाद च्युइंगम चक्कर आने का नाटक करते हुए वॉल्ट के बाहर आती है और वहाँ वो डिवाइस छुपा देती है जिसमें पासवर्ड था। वही ऊपर यनी कॉल उस डक में आती है जहाँ से उसे जाना है। अब डायरेक्टर च्युइंगम को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन जाते हुए च्युइंगम अपनी च्युइंगम उस डिवाइस में लगा देती है जिससे लेजर निकल रही थी। अब दरवाजा बंद होते ही वो लाइट शुरू होती है, लेकिन उसमें से लेजर नहीं निकलती। अब डक से यनी कॉल नीचे उतरती है। अब वहाँ उसे डिवाइस मिलता है जिसमें पासवर्ड था। फिर यनी कॉल उसे वॉल्ट के अंदर का दरवाजा खोलती है, फिर उस आर्क पीस को निकाल कर वहाँ नकली रख देती है। अब उसके वापस आते समय पपोय वहाँ से कहीं चला जाता है, लेकिन यनी कॉल को और टाइम चाहिए था, इसीलिए च्युइंगम फिर चक्कर आने का नाटक करती है। डायरेक्टर उसे संभालने लगता है। वही ऊपर यनी कॉल वापस छत पर आ चुकी थी। अब वो वापस उस खिड़की की तरफ भागने लगती है, फिर सीधा नीचे जंप करती है। जोम्पानो सही मेजरमेंट पर वायर रोक लेता है और यनी कॉल सीधा खिड़की से अंदर आ जाती है। जब दोनों ऑफिस के अंदर आते हैं, यनी कॉल उन्हें बहुत अजीब पोजीशन में दिखती है, लेकिन वो गिरने का नाटक करने लगती है। तभी टाइम खत्म हो जाता है और लेजर के अटक जाने से बिल्डिंग का अलार्म बज जाता है। तभी उसे पता चलता है वॉल्ट में कुछ गड़बड़ हुई है, जबकि वो खुद कुछ देर पहले वहां था। जब वो लोग वहां पहुंचकर देखते हैं, उन्हें लेजर डिवाइस में च्युइंगम लगा मिलता है। अब डायरेक्टर तुरंत यनी कॉल और च्युइंगम को रुकवाता है क्योंकि दोनों जा रहे थे। उन्हें च्युइंगम का बैग चेक करना था, लेकिन च्युइंगम उससे कहती है अगर उसने उनकी चेकिंग करवाई तो वो यनी कॉल को भूल जाए, लेकिन वो फिर भी उनका बैग चेक करवाता है जिसमें उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब यनी कॉल तुरंत ही उससे ब्रेकअप करके बाहर चली जाती है। वही हम देखते हैं यनी कॉल ने उस वायर से उस आर्ट पीस को बांध दिया था, जिसे दोनों बिल्डिंग के बीच जाकर पपोय रिसीव करता है और साइकिल से वहां से आसानी से निकल जाता है। रात में सभी पपोय के गैराज में उस आर्ट पीस को अपने बायर को दिखाते हैं, लेकिन वो काफी कम पैसे लाया था क्योंकि मामला ठंडा होने तक वो इस आर्ट पीस को बेच नहीं सकता, इसीलिए उन्हें इतने ही पैसों से काम चलाना पड़ता है। इस पर यनी कॉल काफी नाराज होती है क्योंकि इस चोरी के लिए वो गैलरी के डायरेक्टर के साथ 5 महीनों से डेट कर रही थी, लेकिन उनका बायर बताता है उनकी अगली चोरी बहुत बड़ी होने वाली है। यहाँ वो किसी मकाऊ पार्क नाम के आदमी का जिक्र करता है। पपोय को इस बारे में पता था, पार्क भी यनी कॉल की तरह वायर हैंगिंग के जरिए चोरी करता था, लेकिन 4 साल पहले सोने की चोरी करते
समय पार्क पपोई को धोखा देकर भाग गया था, इसीलिए पपोई को उस पर यकीन नहीं है। साथ ही पार्क जिस चोरी की बात कर रहा है उसमें एक चाइनीज ग्रुप भी इन्वॉल्व होगा। लेकिन तभी पपोई देखता है वहाँ पुलिस डिटेक्टिव आया है। अब सभी वहाँ का सामान और पैसे लेकर एक कमरे में छुप जाते हैं। वो डिटेक्टिव पपोई को अच्छी तरह जानता था, वो उससे आर्ट गैलरी में हुई चोरी के बारे में बात करने लगता है, लेकिन पपोई कुछ भी पता होने से मना कर रहा था। तब डिटेक्टिव उसे गैलरी के बाहर निकलते समय येनिकॉल और च्युइंगम की फोटो दिखाता है, क्योंकि च्युइंगम उसके लिए काम करती थी। लेकिन पपोई कहता है वो च्युइंगम से काफी दिनों से नहीं मिला। लेकिन डिटेक्टिव उसके फोन से च्युइंगम को कॉल करवाता है। पपोई देखता है च्युइंगम का फोन पास के ही एक टेबल पर रखा है। अब पपोई यहाँ उन पर चिल्लाने का नाटक करते हुए च्युइंगम के फोन को पानी के बकेट में गिरा देता है। तब वो लोग उसे एक फोटो दिखाते हैं जिसमें साइकिल पर पपोई था, लेकिन उस फोटो में उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। इसका मतलब उनके पास कोई सबूत नहीं है कि पपोई ने ही उस आर्ट गैलरी में चोरी की है। तब वो डिटेक्टिव अंदर के कमरे में जाकर देखता है, लेकिन वहाँ अब कोई नहीं था। उसका कहना सर्च करने से पहले पपोई उसे पहले जाकर वारंट लाने कहता है। उस डिटेक्टिव को यकीन था ये चोरी पपोई ने ही की है, इसीलिए कल सर्च वारंट लाने का बोलकर और पपोई को धमकी देकर वो चला जाता है। तब सभी एक मिरर हटाकर उसके पीछे बने सीक्रेट कमरे से बाहर निकलते हैं। अब उनके लिए इस शहर में काम करना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो मकाऊ पार्क का काम करने तैयार हो जाते हैं, जिसके लिए उन्हें हांगकांग जाना होगा। लेकिन उससे पहले पपोई योनिकॉल से पेप्सी को लेकर आने कहता है। पेप्सी कल ही जेल से रिहा होने वाली है। अगले दिन हम पेप्सी को देखते हैं जो 4 सालों बाद जेल से रिहा होती है। वो बाहर सीधा येनिकॉल के पास आती है। वो येनिकॉल को जानती नहीं थी, लेकिन येनिकॉल उसकी ही कार लेकर आई थी। जाते समय दोनों कुछ बातें करती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कुछ खास पसंद नहीं करती। फिर दोनों पपोई के पास आते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। पपोई उसे अपनी टीम से मिलाता है जिनमें पेप्सी बस च्युइंगम को जानती थी। फिर पपोई उसे बताता है मकाओ पार्क ने उन्हें एक काम के लिए बुलाया है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता पेप्सी जेल से रिहा हो चुकी है। यहाँ पता चलता है पेप्सी की पार्क से कुछ दुश्मनी है। फिर हम मकाऊ शहर के एक कसीनो में पार्क को देखते हैं। आपको तो पता ही होगा मकाऊ शहर एशिया का लास वेगास है, लेकिन उस कसीनो का स्टाफ पार्क को बाहर कर देता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जीतने से उन्होंने पार्क को कसीनो से ब्लैकलिस्ट कर दिया था। फिर पार्क वहाँ से हांगकांग में चेन नाम के एक चाइनीज आदमी को कॉल करता है। उस समय वो और उसके साथी एक ज्वेलरी शॉप को लूट रहे थे। उसके गैंग में जॉनी और एंड्रू नाम के 2 आदमी थे, और कुछ ही देर बाद उनकी तीसरी साथी जूली भी वहाँ आती है। जूली एक सेफ क्रैकर है। चेन जूली के फादर को जानता था। जूली के फादर भी एक चोर थे जो तिजोरी तोड़ने में माहिर थे। अब अगले दिन चाइनीज टीम एक होटल में कोरियन टीम से मिलने जाती है। अब उन दोनों को एक दूसरे की भाषा आती नहीं थी। एंड्रू येनिकॉल की तारीफ करता है, लेकिन जूली कहती है जरूर उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी। अब एंड्रू जाकर येनिकॉल से बात करने लगता है, लेकिन येनिकॉल को उसकी बातें समझ नहीं आती। लेकिन यहाँ पता चलता है जुम्पानो को चाइनीज आती है। वो येनिकॉल को बताता है वो बोल रहा है वो प्लास्टिक सर्जरी से खूबसूरत बनी है। ये सुनते ही येनिकॉल एंड्रू पर चिल्लाने लगती है। अब उसके सपोर्ट में जुम्पानो आ जाता है और एंड्रू उस पर गन तान देता है। अब यहाँ मामला थोड़ा गर्मा गया था, लेकिन पपोई और चेन सब शांत करवाते हैं। अब स्मोकिंग करने येनिकॉल बाहर जाती है, तब उसे बाहर पार्क मिलता है जो उसकी सिगरेट जलाकर देता है। फिर पार्क अंदर जाता है जहाँ सब एक दूसरे से मिल रहे थे। पपोई पार्क को देखकर ज्यादा खुश नजर नहीं आता। फिर पपोई चेन से गन्स दिखाने कहता है जो उसने मंगवाई थी। पार्क उन गन्स में से छोटी गन्स चुनता है। फिर चेन पार्क से पूछता है वो चोरी करने कहाँ वाले है। तब पार्क बताता है मकाऊ शहर के एक कसीनो में। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि कसीनो में चोरी करना इतना आसान नहीं होता। जूली पूछती है वो कसीनो से क्या चोरी करेंगे। पार्क बताता है टीयर ऑफ द सन। टीयर ऑफ द सन एक डायमंड है जो कुछ साल पहले एक एग्जीबिशन से चोरी हो गया था। वो डायमंड अभी टिफनी नाम की एक लेडी के पास है। फिर पपोई पार्क को दिखाता है वो अपने साथ च्युइंगम और पेप्सी को लेकर आया है। पेप्सी को वहाँ देखकर पार्क खुश नजर नहीं आता। वो पपोई को बाहर ले जाकर कहता है वो पेप्सी को वापस भेज दे, लेकिन पेप्सी सेफ क्रैकर है और यहाँ दोनों में हाथापाई होने लगती है। लेकिन पार्क उस पर भारी पड़ता है। वो पपोई से पेप्सी को वापस भेजने कहता है। उनके अंदर आने पर चेन और उसके आदमियों को इस काम से एतराज था, क्योंकि टिफनी वेंग होंग नाम के एक डॉन की मिस्ट्रेस है। कोरियन टीम को वेंग होंग के बारे में कुछ पता नहीं था। तब एंड्रू और जॉनी उन्हें बताते हैं वेंग होंग एक बहुत ही खतरनाक आदमी है। आज तक किसी को नहीं पता वो दिखता कैसा है या उसकी नेशनलिटी क्या है। लोगों को बस ये पता है उसके हाथ पर एक बटरफ्लाई का टैटू बना है, और जिसने भी उसे देखा जिंदा नहीं बचा। पपोई ने वेंग होंग के बारे में सुन रखा था, लेकिन च्युइंगम उस डायमंड की कीमत पूछती है। पार्क बताता है $20 मिलियन। अब 20 मिलियन सुनकर सब इस काम को करने तैयार हो जाते हैं, लेकिन चेन बायर के बारे में पूछता है। पार्क के पास अलग अलग कंट्री में बहुत सारे बायर थे
जो उस डायमंड को खरीदने तैयार है। साथ ही वेंग हुंग खुद भी एक बायर होगा जब वो डायमंड चुरा लेंगे। लेकिन चेन कहता है वो वेंग हुंग से डायमंड चुरा कर उसी को बेचेगा, जबकि वो वेंग हुंग को जानता भी नहीं कि वो कितना खतरनाक है। तब पार्क बताता है वो एक बार वेंग हुंग से मिल चुका है, लेकिन चेन के फिर पूछने पर पार्क बात को टाल देता है। थोड़ी देर सोचने के बाद चेन मान जाता है, लेकिन वो पार्क से इस इंफॉर्मेशन का सोर्स पूछता है। अब अगले दिन उनसे एक औरत मिलने आती है, वो ब्राउन कलर की रोल्स रॉयस में आई थी, साथ ही उसकी टिफनी के साथ फोटो भी थी। अब वो आकर पूरी टीम से मिलती है। जूली पूछती है टिफनी ही उस कसीनो को संभालती है तो उसने उस डायमंड को कसीनो के अंडरग्राउंड वॉल्ट में ही रखा होगा। लेकिन वो बताती है डायमंड कसीनो के वॉल्ट में नहीं रखा, बल्कि कसीनो के 30वें फ्लोर में टिफनी के कमरे में रखा है। 30वें फ्लोर पर हर जगह थर्मल इमेजिंग कैमरा लगे है, जिन पर कसीनो सिक्योरिटी 24 घंटे नजर रखती है। टिफनी के रूम में दो सेफ रखी है, उसे नहीं पता दोनों सेफ में से कौन से सेफ में डायमंड रखा है, इसीलिए उन्हें दोनों सेफ खोलनी होगी। साथ ही उस कमरे के दरवाजे पर मैग्नेटिक फील्ड डिवाइस लगे है। कुछ साल पहले टिफनी का हार्ट ऑपरेशन हुआ था, इसीलिए उसके हार्ट के साथ एक पीस मेकर लगा है, इसीलिए सिर्फ टिफनी ही उस दरवाजे को खोल सकती है। अगर किसी और ने दरवाजा खोला तो अलार्म बज जाएगा। पार्क उसकी सिगरेट जलाकर अपना लाइटर वही रख देता है। उसके जाने से पहले पेप्सी उससे पूछती है आखिर वो है कौन जिसे इतना सब पता है। तब वो बताती है वो टिफनी की स्टेप सिस्टर है। उसके जाने के बाद अपनी आदत से मजबूर च्युइंगम दारू निकालकर सभी को बुलाती है। जूली अपनी सिगरेट पार्क के लाइटर से जलाने जाती है, लेकिन चुपके से उसके लाइटर में एक बग लगा देती है। फिर शाम को जूली पार्क की बातें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन पार्क अकेला था। तब हमें 4 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब पेप्सी और पार्क सक्सेसफुली सोना चुरा कर निकल रहे थे और बाहर से पपॉय उन्हें वायर से खींचने वाला था। और यहाँ पता चलता है उस समय पेप्सी और पार्क रिलेशन में थे। पेप्सी तो पार्क से प्यार करती थी, लेकिन पार्क का कुछ पता नहीं था। फिर पार्क वायर के जरिए नीचे उतरने लगता है, लेकिन उसके थोड़ा नीचे जाते ही वायर टूट जाता है और पार्क सीधा नीचे गिरता है। अब उसे बचाने पेप्सी कॉरिडोर से नीचे भागती है, जिससे अलार्म बज जाते हैं और वो कैमरास के सामने आ जाती है, और शायद इसी चोरी के इल्जाम में उसे 4 साल की सजा हुई थी। फिर पपॉय और पेप्सी कहीं मिलते हैं। पपॉय बताता है पुलिस को पार्क की बॉडी नहीं मिली, इसका मतलब वो जिंदा है। अब तक 3 दिन हो चुके थे, लेकिन पार्क ने उनसे अभी तक कॉन्टेक्ट नहीं किया। पपॉय कहता है वो कॉन्टेक्ट करेगा भी क्यों, क्योंकि उसके पास $3 मिलियन का सोना जो है, मतलब पार्क ने उन्हें धोखा दिया है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। पेप्सी पार्क से मिलने उसके कमरे में आई थी, जहां दो औरतें उसकी मसाज कर रही थी। पेप्सी कहती है उसने सोना चुराने के लिए उनसे माफी तक नहीं मांगी, लेकिन वो भी आखिर एक चोर है। पेप्सी उनके रिलेशन के बारे में बात करती है, लेकिन पार्क रूडली कहता है वो कोई रोमियो जूलियट तो नहीं थे। फिर पेप्सी बात बदलते हुए कहती है पपॉय ने उसे बताया, उसने उसे वापस भेजने कहा है, लेकिन वो अभी भी सेफ खोल सकती है। तब पार्क अपने बैग के लॉक की चाबी तोड़कर उसे 5 सेकंड में खोलने कहता है। तब पेप्सी चाकू से उसके बैग को काट कर कहती है उसने 3 सेकंड में खोल लिया। पार्क कहता है ये तो चीटिंग है। तब पेप्सी कहती है तो क्या हुआ, वो भी आखिर एक चोर है। अब बाहर निकलकर पेप्सी थोड़ा रोती है, फिर पपॉय के पास जाती है और यहाँ पता चलता है पेप्सी ने पार्क के पास से उसके बायर के लिस्ट की डायरी चुरा ली। फिर पपॉय कोरिया में फोन करके किसी से उस डायमंड की कॉपी बनाने कहता है, लेकिन उनकी बातें येनिकोल भी सुन रही थी। पपॉय वाइन की बोतल लेने बालकनी में आता है, तब येनिकोल नीचे की बालकनी में कूद जाती है। वही ऊपर पपॉय उस डायमंड की कॉपी बनाने के लिए उस आदमी को $20,000 देने का वादा करता है। और यहाँ पता चलता है पपॉय और पेप्सी ने पार्क को धोखा देने का प्लान बनाया है, जैसा उसने उन्हें 4 साल पहले दिया था। वही नीचे येनिकोल जोम्पानो की गैलरी में आई थी। जोम्पानो वर्कआउट कर रहा था, लेकिन येनिकोल को देखते ही उसे किस कर लेता है। अब किस के बाद येनिकोल कहती है बहुत सी लड़कियां ऐसी सिचुएशन में कमजोर पड़ जाती होगी, लेकिन वो नहीं, जोम्पानो बहुत पहले से येनिकोल को पसंद करता है। अब पपॉय दोनों लड़कियों को छोड़कर बाहर जाता है और पार्क को गाली देता है। हमें फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है, तो उस रात से पहले पपॉय ने ही पार्क के वायर को डैमेज किया था, जिससे वो नीचे गिर गया। लेकिन कुछ देर बाद पेप्सी ने उसे बताया सोना भी पार्क के ही पास था। अब उसी रात पपॉय अपने गैरेज में था। न्यूज से पता चलता है पुलिस के पास पेप्सी की सीसीटीवी फुटेज है। तब कुछ ही देर बाद वहाँ पेप्सी नशे में आती है, क्योंकि उसे लगा पार्क यहाँ आएगा। अब इस दुख में कि कहीं पार्क मर तो नहीं गया, पेप्सी उसे गले लगाती है, लेकिन तब पपॉय उसे लगातार किस करने लगता है, मतलब वो पार्क से जलता था और पेप्सी को पसंद करता है, इसीलिए उसने पार्क को मारने वायर डैमेज की थी। लेकिन पेप्सी उसे दूर करती है, क्योंकि उसका ये मतलब नहीं था। अब प्रेजेंट टाइम में वो लोग चोरी को अंजाम देने मकाऊ शहर पहुंचते हैं, लेकिन अपने अड्डे की तरफ जाते हुए कोई उनकी फोटोज खींच रहा था। ये लोग कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। अब अंदर जाने पर पार्क सभी को फोन देता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। अब प्लान
कुछ यूं था कि चेन और च्युइंगम एक हाई प्रोफाइल जापानीज कपल बनकर कसिनो में टिफनी के साथ जुआ खेलने जाएंगे, क्योंकि दोनों को ही जापानीज आती है। टेबल पर जॉनी और एंड्रू रोज उनके अगेंस्ट में खेलेंगे। इस समय एंड्रू उस फ्लोर के लेआउट और स्टाफ की शिफ्ट के बारे में पता करेगा। अब कुछ दिन के अंदर ही टिफनी डायमंड के साथ मकाओ वापस आने वाली है। उस पर पोपॉय नजर रखेगा, यहाँ तक कि कसिनो में भी। पोपॉय बताता है टिफनी के साथ हमेशा दो बॉडीगार्ड रहते हैं, लेकिन कसिनो में एक ही रहता है, मतलब उस समय एक गार्ड 30वें फ्लोर पर रहता है। प्लान को आगे बढ़ाने उन्हें मास्टर की चाहिए थी। पार्क बताता है मास्टर की का इंतजाम जोम्पानो और येनिकोल करेंगे कसिनो के मैनेजर से। येनिकोल उससे फ्लर्ट करेगी और इस बीच जोम्पानो उसके चाबी की डुप्लीकेट बना लेगा। इसीलिए उस रात येनिकोल काफी हॉट कपड़े पहनकर एक बार में जाती है। उसके साथ जोम्पानो भी था। अब दोनों उस मैनेजर का इंतजार करने लगते हैं। वो मैनेजर आता है। येनिकोल उससे फ्लर्ट करने तैयार थी, लेकिन वो मैनेजर जोम्पानो से चिपकने लगता है, मतलब वो गे था। अब उन्हें प्लान आगे तो बढ़ाना ही था, इसीलिए जोम्पानो भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। येनिकोल उसकी की ले जाकर कॉपी करने लगती है। वही वो मैनेजर जोम्पानो से और ज्यादा चिपक रहा था। जब तक येनिकोल वापस आती है, वो मैनेजर जोम्पानो का आधा बलात्कार कर चुका था। फिर जॉनी कहता है उन्हें गन्स भी अंदर लेकर जानी है। तब पार्क ये काम एंड्रू को देता है। उसे एक बूढ़े वेटर को जाकर पैसे देने हैं जो कसिनो में खाना सर्व करता है। एंड्रू जाकर उस कसिनो के बेसमेंट में उस बूढ़े आदमी से मिलता है और उसे पैसे और गन दे देता है। और उसी रात जुआ खेलते समय वो बूढ़ा आदमी खाना लेकर आता है जो एंड्रू ने मंगवाया था, जिसके नीचे गन्स का बैग रखा था। वही चैन और च्युइंगम टिफनी के साथ जुआ खेल रहे थे, जिस दौरान दोनों करीब आते हैं। इस बार वो टिफनी को बुरी तरह हराते हैं, लेकिन वो अपने बैग में से और ज्यादा कैश निकलवाती है। वही दूसरी तरफ पेप्सी और जूली सेफ खोलने की प्रैक्टिस कर रही थी। पेप्सी इक्विपमेंट से सेफ खोलती है, वही जूली सिर्फ अपने हाथों से। लेकिन यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है और पता चलता है जूली एक अंडरकवर कॉप है और वो तिजोरी खोलने में एक्सपर्ट है। वो पुलिस वालों को बता रही थी बहुत से चोर सेफ को पीछे से काटते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मशीन और टाइम लगता है, इसीलिए ज्यादातर चोर पकड़े भी जाते हैं। लेकिन जो प्रोज होते हैं वो हमेशा दरवाजे से सेफ खोलते हैं। सेफ के दरवाजे के अंदर के मैकेनिज्म में एक ग्लास के साथ वायर जुड़ा होता है। अगर सामने से ड्रिल करते समय ग्लास टूट गया तो वो सेफ हमेशा के लिए लॉक हो जाती है। तभी उसका सीनियर उसे बाहर बुलाता है। यहाँ पता चलता है पुलिस ये सब मकाओ पार्क के जरिए व्योंगहोंग को पकड़ने कर रही है। उनका मेन टारगेट व्योंगहोंग है। अब प्रेजेंट टाइम में पेप्सी के लिए सेफ खोलना मुश्किल हो रहा था। तब जूली उसे पीछे से सेफ खोलने कहती है, लेकिन पेप्सी सामने से ही सेफ खोलेगी। यहाँ जूली और पेप्सी में अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन वो दोनों ही येनिकोल को पसंद नहीं करते थे और ना ही वो उन्हें। पेप्सी उसे बिच कहती है। येनिकोल वहाँ से पार्क के पास जाकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन पार्क उसकी बातों में नहीं आता। तभी वहाँ जोम्पानो आ जाता है। उसे देखकर येनिकोल वहाँ से चली जाती है। अब च्युइंगम सोच रही थी इस काम के बाद वो आम लोगों की तरह जिंदगी जिएगी, जबकि पेप्सी के दिल में अभी तक पार्क के लिए फीलिंग है, जिससे वो लगातार मना कर रही थी। दूसरी तरफ एंड्रू, जॉनी और चेन को इस काम में कुछ गड़बड़ लग रही थी। तब चेन बताता है कुछ साल पहले दो चोरों ने उस डायमंड को चुराया था और उसे बेचने व्योंगहोंग के पास गए। तब व्योंगहोंग ने एक चोर को मार दिया और दूसरे चोर को $1,000 देकर भगा दिया। मतलब चेन को पार्क पर यकीन नहीं था। उसे पता है ये काम फेल होने ही वाला है। उसके मुताबिक पार्क व्योंगहोंग को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। यहाँ चेन का प्लान सिर्फ टिफनी के उस पैसों से भरे बैग्स को चुराने का है। अब चोरी के दिन 18 घंटे पहले पार्क कसिनो में था। चेन और च्युइंगम टिफनी के साथ खेल रहे थे। फिर दोनों ब्रेक लेकर 20वीं मंजिल पर अपने कमरे में जाने लगते हैं। उनके जाते समय टिफनी उनसे पूछती है वो वापस कब आएंगे। चेन कहता है सुबह 5 बजे। उस कमरे से ही येनिकोल टिफनी के कमरे में क्लाइम करेगी। तब जोम्पानो टेक्निकल स्टाफ बनकर अपने इक्विपमेंट के साथ छत पर जाएगा। अब कैमरा से बचने के लिए पार्क और पोपॉय वहाँ तमाशा करते हैं, जिसमें पार्क पोपॉय को असलियत में पंच मारता है। सिक्योरिटी स्टाफ फेक रिकॉग्निशन से देखती है पार्क कसिनो में ब्लैक लिस्ट है। अब सभी का ध्यान उनकी ही तरफ था। दूसरी तरफ च्युइंगम और चेन के अपने कमरे में जाते समय जोम्पानो भी अपने इक्विपमेंट के साथ छत की तरफ जाता है। कसिनो का स्टाफ पार्क को बाहर निकाल देता है। वही पोपॉय पार्क को गालियां दे रहा था क्योंकि उसने मार जो खाई थी। फिर वो पेप्सी को कॉल करता है। कोरिया से उनका नकली डायमंड का पैकेज आ गया था। पेप्सी जाकर उस पैकेज को पिकअप करती है। वही पोपॉय उनके कोरिया भागने के लिए बोट का इंतजाम करने जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक आदमी मतलब खुद के लिए इंतजाम करता है, साला कमीना। दूसरी तरफ च्युइंगम और चेन अपने रूम में थे और यहाँ पता चलता है कुछ साल पहले टीयर ऑफ द सन को चेन और उसके एक दोस्त ने ही चुराया था। फिर वो लोग उसे व्योंगहोंग को बेचने कोरिया के भूसान शहर गए थे। वो लोग डायमंड की $5,00,000 कीमत बताते हैं, लेकिन व्योंगहोंग उसके दोस्त को मार
मार देता है। इसीलिए मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए चेन ने वो डायमंड वेंगहोंग को दे दिया और वेंगहोंग उसे $1,000 देकर चला गया। इसका मतलब जो कहानी चेन ने अपने साथियों को बताई थी वो उसकी खुद की कहानी थी। चेन को अब तक अपने दोस्त की मौत का अफसोस है। ये सुनते ही च्युइंगम उसे किस कर लेती है। अब यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए थे एंड दे मेक लव। अब दोनों सीनियर सिटीजन है इसीलिए मैंने यामाकाटा नहीं बोला। दूसरी तरफ पेप्सी एक चर्च में थी, वहाँ पार्क भी आता है। पहले दोनों में कुछ कड़वी बातें होती है लेकिन पेप्सी उससे पूछ ही लेती है 4 साल पहले उसने उसे क्यों छोड़ा। लेकिन पार्क कहता है क्या सच में उसने उसे छोड़ा था। पेप्सी को ये बात कुछ समझ नहीं आती लेकिन कुछ देर बाद समझ में आ जाएगी। अब पेप्सी उसे गले लगाकर केयरफुल रहने कहती है। अब तक सुबह के 4:30 बज चुके थे। जुम्पानो ने अपना पूरा सेटअप लगा दिया था। वो फोन करके पार्क को बता देता है और यनिकॉल को अपना काम करने कहता है। यनिकॉल चेन और च्युइंगम के रूम में जाती है जहाँ उसे पता चलता है च्युइंगम और चेन के बीच कुछ चल रहा है। अब यनिकॉल अपने काम के लिए तैयार होती है। सब लोग फोन से एक दूसरे से कनेक्टेड थे। पोपॉय बताता है टिफनी 1 घंटा पहले ही नीचे आ चुकी है। अब चेन और उसकी टीम का काम है टिफनी उस VIP रूम को ना छोड़े। अब पार्क सभी को बताता है उनके पास सेफ खोलने सिर्फ 10 मिनट होंगे। जूली और पेप्सी भी कसिनो में आ चुकी थी। पार्क एग्जिट नंबर 7 के बाहर सभी का इंतजार करेगा लेकिन बाहर पुलिस एक वैन में उसकी कार का पीछा कर रही थी। अब उनके एक्शन का टाइम था। जुम्पानो ने वायर्स 20वें फ्लोर पर यनिकॉल के पास भेज दिए थे। अब यनिकॉल को वायर के जरिए 30वें फ्लोर पर जाना है। जुम्पानो उससे पूछता है क्या वो उससे प्यार करती है लेकिन यनिकॉल इसका बाद में जवाब देगी। अब यहाँ एक बहुत ही बढ़िया सीन आता है। यनिकॉल वायर्स के जरिए बाहर से ही 20वें फ्लोर से 30वें फ्लोर पर चढ़ रही थी। वही VIP रूम में एंड्रू और जॉनी एक दूसरे को गन पास करते हैं जो एंड्रू ने सोफे के नीचे बहुत पहले ही छुपा कर रखी थी। अब जूली पेप्सी और पपॉय 30वें फ्लोर की तरफ जाते हैं और जॉनी VIP रूम से बाहर निकलते समय चेन के बैग में गन रख देता है। वही बाहर यनिकॉल 30वें फ्लोर पर पहुंचकर विंडो ग्लास को काटना शुरू करती है। वही नीचे एंड्रू और जॉनी गार्ड्स का ध्यान भटकाकर उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं फिर कंट्रोल रूम में जाकर कब्जा कर लेते हैं। अब लिफ्ट से तीनों 30वें फ्लोर पर पहुंचते हैं। जैसा पपॉय ने बताया था वहां एक ही गार्ड था जिसे तीनों आसानी से संभाल लेते हैं और थर्मल कैमरा से बचने के लिए फॉइल के कोट पहनकर आगे बढ़ते हैं। वही जॉनी तुरंत कैसीनो की लाइट ऑफ कर देता है क्योंकि ऊपर यनिकॉल ने विंडो ग्लास काट लिया था। उस कमरे के अंदर दरवाजे पर मैग्नेटिक डिवाइस लगा था। यनिकॉल उसके बीच कोई चीज लगाती है जिससे दरवाजा खोलने पर वो चैन की तरह बड़ा हो जाता है और मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक नहीं होती। फिर तीनों भी अंदर आते हैं। अब कुछ ही देर में इमरजेंसी जनरेटर ऑन होते हैं। कैसीनो के अंडरग्राउंड वॉल्ट में मैनेजर कंट्रोल रूम में कॉल करता है लेकिन जॉनी सभी फोन कनेक्शन निकाल देता है। मैनेजर समझ गया था कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है। वो बाकी गार्ड्स को भी ऊपर भेजता है। उस वॉल्ट में वो बूढ़ा वेटर भी था जिसने एंड्रू को गन लाकर दी थी लेकिन फिलहाल मैनेजर उसे जाने से मना कर देता है। दूसरी तरफ टिफनी के कमरे में पोपॉय पेप्सी और जूली तीनों तिजोरी खोलने की तैयारी करते हैं। पेप्सी सेफ में ड्रिल कर रही थी जबकि जूली सिर्फ अपने हाथों से सेफ खोलना शुरू करती है। वहीं नीचे चेन और टिफनी के बीच गेम बढ़ता जा रहा था। ऊपर पेप्सी वॉल्ट के ग्लास के पहले ही ड्रिल रोक लेती है। फिर पोपॉय और पेप्सी उस ड्रिल होल में एक छोटा कैमरा डालते हैं जिससे उन्हें उस ग्लास से बंधा वायर दिख जाता है। फिर पेप्सी दूसरे होल से एक वायर अंदर डालती है जिसमें वो ग्लास वायर फंस जाए। सामने ही जूली अभी तक उस सेफ को खोल नहीं पाई थी। वही नीचे एंड्रू और जॉनी ने भी अभी तक कंट्रोल रूम को अपने कब्जे में ले रखा है। बहुत कोशिशों के बाद पेप्सी उस वायर में ग्लास के वायर को फंसा देती है। अब पपॉय जल्दी से उस वायर को सामने के सोफे से बांध देता है और उस पर पपॉय और यनिकॉल बैठ जाते हैं। अब पेप्सी ड्रिल कंटिन्यू करती है जिससे सेफ के दरवाजे के अंदर लगा ग्लास टूट जाता है लेकिन उस लॉक के वायर को पकड़ने से सेफ हमेशा के लिए लॉक नहीं होती। अब पेप्सी और आगे ड्रिल करके एक होल बनाती है। अब उसमें कैमरा डालने पर उस सेफ का लॉक दिखने लगता है। अब पेप्सी कैमरा में देखते हुए सेफ का डायल घुमाती है और कुछ ही सेकंड्स में सेफ खुल जाती है। पपॉय जाकर सेफ का डोर खोलता है लेकिन उसमें डायमंड नहीं था, बस कुछ कैश रखा हुआ था। अब उम्मीद जूली पर थी क्योंकि डायमंड उसी सेफ में होगा। वही नीचे चेन एक बहुत ही बड़ा दाव लगाता है। उसे च्युइंगम आगे खेलने से मना भी करती है लेकिन चेन नहीं मानता और वो गेम टिफनी जीत जाती है। लेकिन तभी चेन गन निकाल कर सभी को हॉस्टेज बना लेता है और च्युइंगम को जाकर टिफनी के बैग का कैश लेने बोलता है लेकिन मैनेजर चुपके से पुलिस को मैसेज कर देता है। पुलिस आकर गार्ड को वो मैसेज दिखाते हैं। गार्ड पहले VIP रूम में कॉल करते हैं लेकिन चेन किसी को कॉल नहीं उठाने देता। इसीलिए पुलिस और कैसीनो गार्ड VIP रूम की तरफ बढ़ते हैं। वही बाहर पुलिस ऑफिसर पार्क की कार के पीछे उसका वेट कर रहे थे। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उन्हें एक पैकेज देती है जो किसी आदमी ने उससे
से उन्हें देने कहा था। उस पैकेज में पार्क का लाइटर था जिसमें जूली ने बग लगाया था। इसका मतलब पार्क को जूली और उसके प्लान के बारे में पहले से पता था। सभी पुलिस वाले तुरंत सामने खड़ी पार्क की कार के पास भागते हैं, लेकिन कार में कोई नहीं था। वही ऊपर जूली दूसरी सेफ भी खोल लेती है, लेकिन यहाँ सभी को शॉक लगता है क्योंकि वो सेफ बिल्कुल खाली थी। वही नीचे वो बूढ़ा वेटर बाहर जाने का वेट करते हुए खाना खा रहा था जो वो मैनेजर के लिए लाया था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उस वॉल्ट में बनी एक सेफ को चुपके से खोलना शुरू करता है और कुछ ही देर में उसे खोल भी लेता है। और उसमें ही वो टीयर ऑफ द सन डायमंड रखा हुआ था जिसे वो बूढ़ा आदमी अपने खाने के बर्तन में रख देता है। तभी बाहर से वो लड़की जिसने पुलिस वालों को वो पैकेज लाकर दिया था वो किसी को मैसेज करती है। वो मैसेज टीम के सभी के फोन पर जाता है जिसमें पार्क बोल रहा था वो लोग डायमंड को भूल जाए क्योंकि उसका काम हो गया। ये मैसेज पढ़कर सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने सभी का इस्तेमाल करके डायमंड को चुरा लिया था। उसने डायमंड चुराने का प्लान तो बनाया था लेकिन दोनों टीम का फायदा उठाकर। वही ऊपर पेप्सी को समझ में आता है जिस औरत से पार्क ने उन्हें हांगकांग में मिलाया था, जो खुद को टिफनी की स्टेप सिस्टर बता रही थी, वो पार्क के लिए ही काम करती थी। अब उन्हें किसी तरह कसीनो से निकलना होगा क्योंकि अब सबके सब फंस गए थे। आप लोग सोच रहे होंगे पार्क ने तो सभी को धोखा दे दिया, लेकिन थोड़ा रुककर सोचिए, टीम के सभी लोगों के पास डायमंड को चुराने के अपने प्लान्स थे या डायमंड की जगह पैसे चुराने का प्लान। तो पार्क ने वही किया जो डायमंड मिलने के बाद टीम का कोई भी मेंबर कर सकता था, बस पार्क उनसे हमेशा एक कदम आगे था। अब पपाई तिजोरी से निकले पैसे लेने लगता है। ये निकोल जुम्पानो से खुद को ऊपर खींचने बोलती है। जॉनी, एंड्रू, चेन और च्युइंगम जल्दी से कसीनो से भागने लगते हैं। अब कसीनो के बाहर पुलिस फोर्स आना शुरू हो गई थी। अब पुलिस के आते ही अंडरग्राउंड वॉल्ट से मैनेजर उस बूढ़े आदमी को जाने कहता है। आपको लग रहा होगा मैं सभी को मैनेजर क्यों बोल रहा हूँ, दरअसल यहाँ हर डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर है। अब ये निकोल कसीनो का स्टाफ बनकर बाहर जाने लगती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है। तभी वहाँ जुम्पानो भी आता है। अब सिक्योरिटी गार्ड उससे उसकी डिटेल पूछने लगता है, लेकिन ये निकोल को चाइनीज आती नहीं थी इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था गार्ड पूछ क्या रहा है। उनके पास उन लोगों की फोटोज भी थी जो पुलिस ने उन्हें दी है। ये निकोल यहाँ नाटक करने लगती है लेकिन वो पकड़ी ही जाएगी, लेकिन जुम्पानो से ये देखा नहीं जाता। वो गार्ड्स को चिल्लाकर बोलता है वो भी उन चोरों से मिला हुआ है और कोरिया में ये निकोल से आई लव यू बोलकर भागने लगता है और गार्ड उसके पीछे भागते हैं। ये देखकर ये निकोल शॉक रह जाती है कि जुम्पानो ने उसे बचाने के लिए खुद को पकड़वा दिया, क्योंकि थोड़ा भागने के बाद ही गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। अब जॉनी और एंड्रू अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन एंड्रू पकड़ा जाता है। वही पपॉय, पेप्सी और जूली नीचे आकर बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी सामने से गार्ड एंड्रू को लेकर आ रहे थे। वो लोग शांति से आगे बढ़ते हैं, लेकिन एंड्रू उन्हें देखकर चिल्लाने लगता है। उसे चिल्लाता देख पपॉय वहां से भाग जाता है। वही नीचे पार्किंग में चेन और च्युइंगम के सामने पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। अब यहाँ पुलिस और चेन के बीच गोलीबारी होती है। फायरिंग की वजह से कुछ गोलियां जाकर उनकी कार के टायर को लग जाती है। अब उनका बाहर निकलना मुश्किल था, दोनों एक पिलर के पीछे छुप गए थे। वही ऊपर पुलिस ऑफिसर पेप्सी को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन उन लोगों के पास जूली की फोटोज नहीं थी। यहाँ पेप्सी कहती है वो जूली को नहीं जानती, जबकि उसे पता भी नहीं है जूली एक अंडरकवर कॉप है। ये सुनकर पेप्सी के लिए जूली की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। पपॉय भी पैसों का बैग लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी पकड़ा जाता है और उसके बगल से ही वो बूढ़ा वेटर वो जार लेकर जाता है जिसमें वो डायमंड रखा है। अब पार्किंग में चेन एक कपल से उनकी कार की चाबी ले लेता है। फिर च्युइंगम और चेन उस कार से बाहर भागने लगते हैं। पुलिस लगातार उन पर शूट कर रही थी, लेकिन किसी तरह चेन कसीनो से निकल जाता है। लेकिन तभी च्युइंगम देखती है चेन को गोलियां लग चुकी है और कुछ ही सेकंड्स में चेन मर जाता है। आउट ऑफ कंट्रोल होने से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और बेचारी च्युइंगम भी मारी जाती है। कुछ ही देर बाद जूली और बाकी पुलिस वालों को चेन की कार मिल गई थी। ये भी कंफर्म हो जाता है वीआईपी रूम का चोर वही है। पुलिस के वॉकी टॉकी से वो बूढ़ा आदमी भी अपनी कार से ये सुन रहा था, लेकिन तभी वो देखता है पुलिस की वैन पेप्सी को भी पकड़कर ले जा रही है। वही वैन के अंदर एंड्रू पेप्सी से उसका एयरिंग मांगता है, फिर उसकी एयरिंग से अपनी हथकड़ी खोलता है और दोनों पुलिस ऑफिसर को गन पॉइंट पर ले लेता है। अब पेप्सी जल्दी से पपॉय की हथकड़ी खोलती है, लेकिन इस बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और वो एयरिंग भी दूर गिर गई थी। अब इसी हाथापाई के बीच वैन आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक नदी के एज पर लटक जाती है। पपॉय और एंड्रू तुरंत वैन से निकलकर बाहर भाग जाते हैं और पुलिस वाले उन दोनों के पीछे भागते हैं, लेकिन वैन के अंदर पेप्सी हथकड़ी की वजह से फंसी हुई थी। अब कुछ ही सेकंड्स बाद वो वैन पानी में गिर जाती है। अब पेप्सी पानी में डूब रही थी, वो अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब पेप्सी अपना दम तोड़ने ही वाली
वाली थी, लेकिन तभी सरप्राइजिंगली वो बूढ़ा आदमी पानी में जंप करता है और उस वैन में आता है। फिर अचानक पेप्सी को होश आता है, वो किसी होटल के स्विमिंग पूल के पास थी। उसके हाथ में चाबी जैसा लॉकेट बंधा हुआ था। फिर वो छुपती छुपाती पोपोई के पास पहुंचती है और सबसे पहले उसे थप्पड़ मारती है उसे वैन में छोड़कर भागने के लिए। पोपोई के साथ येनिकोल और एंड्रू थे। यहाँ पेप्सी को चैन और च्युइंगम की मौत के बारे में पता चलता है। एंड्रू कहता है उन्हें हांगकांग जाकर पार्क को ढूंढना होगा। वही जूली और बाकी पुलिस वालों को एक सीसीटीवी फुटेज में उस लड़की के साथ वो बूढ़ा आदमी दिख गया था, वही लड़की जिसने पुलिस वालों को पार्क का लाइटर लाकर दिया था। फिर हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसके पीछे पुलिस भी लगी हुई थी। फिर हमें पता चलता है वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि पार्क ही है। अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए वो ना जाने कितने समय से उस कैसीनो में भेष बदलकर वेटर का काम कर रहा था। फिर वो उस डॉन विंगहुंग को कॉल करके उस डायमंड की $10 मिलियन में डील करता है, लेकिन हांगकांग या मकाऊ में नहीं बल्कि भूसान कोरिया में। फिर सामने खड़े पुलिस वालों से लाइटर मांगता है। इसका मतलब उसे पता है पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं और वो लोग उसे इसीलिए नहीं पकड़ रहे क्योंकि उन्हें उसके जरिए विंगहुंग तक पहुंचना है। आपको तो पता है उसे जूली के प्लान के बारे में बहुत पहले से पता था। फिर पार्क की भूसान की बस पकड़ते हुए ये मूवी भी यही एंड होती है। यकीन मानिए दोस्तों, दूसरा पार्ट पहले पार्ट से भी बढ़िया है जिसमें बहुत सारे सस्पेंस रिवील होने वाले हैं। दूसरा पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, साथ ही आपके राइट स्क्रीन पर भी आ रहा है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। पीस आउट।